तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल को देखते हैं। एक आसान सवाल है, बहुत ही इसको सब लोग कर सकते हैं आई होप, कि टू कार है हैविंग मास M1 एंड M2 आर मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। मान लेते हैं ये कार है, इसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस R1 है और इसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस R2 है। अब इस कार की मास M1 है, बड़ी कार है, और ये छोटी कार है, मास M2 है। कंप्लीट सर्कुलर पाथ मतलब अगर ये पॉइंट ए पॉइंट से अगर कार चलाता तो ये ए पॉइंट पे आने में जो टाइम लगा वो टाइम T1 है, और ये पॉइंट अगर यहाँ से चलाता तो ये भी रेडियस अलग है लेकिन ए पॉइंट पे आने में टाइम सेम लगा मतलब T2 है। तो यहाँ दिया है T1 बराबर है T2 के। तो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा वन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टू। तो हम लोग को निकालना है ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू की रेशियो निकालनी है। तो चलो बहुत अच्छे से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ओमेगा टाइम पीरियड ओमेगा से कैसे रिलेटेड है। तो टाइम पीरियड होता है 2π अपॉन ओमेगा, ये आपको याद होगा, नहीं तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस 2πr अपॉन लीनियर स्पीड भी, और भी इज इक्वल टू होती है आर ओमेगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी भी अपॉन आर, या वन अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन भी। ये तो आर अपॉन भी इज इक्वल टू वन, तो बेसिकली ये सबको याद होता है ये फार्मूला। अगर इसे देखोगे तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ओमेगा। तो अगर दोनों कार के लिए टाइम पीरियड इक्वल है तो ओमेगा वन ओमेगा टू भी इक्वल होगा, दैट इज ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज इक्वल टू वन। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज डी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों।